नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल के बारे में, जो आपका है फिजिकल डिस्टेंसिंग के बारे में, जो आपका अभी चर्चा में बना हुआ है कोरोना वायरस से संबंधित। जो फिजिकल डिस्टेंसिंग के बारे में बताया गया है, तो इससे बात करेंगे कि आखिर सोशल डिस्टेंसिंग होती क्या है, सोशल डिस्टेंसिंग की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ी, और आखिर आपका ये लॉकडाउन क्या है। सोशल डिस्टेंसिंग से संबंधित जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उन्हें भी देख लेंगे, और इनका समाधान क्या है उन पर भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। वैश्विक महामारी COVID-19 के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के आह्वान पर भारत में भी संपूर्ण लॉकडाउन की व्यवस्था को अपनाया गया है। क्या किया गया है? संपूर्ण लॉकडाउन की व्यवस्था को अपनाया गया है। लॉकडाउन की व्यवस्था के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की अवधारणा अपनाया गया है। पिछले कुछ दिनों से सोशल डिस्टेंसिंग शब्द काफी प्रचलित में हो रहा है। इस शब्द का प्रयोग लगातार प्रधानमंत्री द्वारा भी अपने भाषणों में किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय भी इस शब्द का इस्तेमाल अपने दस्तावेजों और निर्देशों में कर रहा है। परंतु यदि हम विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, याद रखिए WHO का मुख्यालय आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। ठीक है, WHO की कार्य प्रणाली पर ध्यान दें तो यह पाते हैं कि इसके द्वारा लगातार सोशल डिस्टेंसिंग के स्थान पर फिजिकल डिस्टेंसिंग की अवधारणा पर जोर दिया जा रहा है। प्रारंभ में शब्द के प्रयोग को लेकर असमंजस था, लेकिन अब विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा व्यापक रूप से इस शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। एक बात तो आप लोगों को माननी पड़ेगी, एक बाल से भी, हमारे बाल से भी कई गुना छोटे वायरस ने हमारी औकात दिला दी इंसान की, कि इंसान अस्थाई है। छोटा सा वायरस, उसने इंसान क्या है उसकी औकात दिला दी। इसीलिए हमेशा बोलता आया हूं कि जो भी किरदार मिले जिंदगी में, इस तरह जिए कि अपने अंदर इंसानियत हो, मानवता हो। जो भी काम करना है, जो भी काम कर रहे हो, उसमें 100% दीजिए। अगर हमें कल भी अगर हमारे सामने मौत खड़ी हो जाए तो हमें कोई शिकायत ना रहे। इस तरह से जिंदगी जीना बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, देखिए हर चारों तरफ मौत का एक साया सा छाया हुआ है, डर। आगे बात करते हैं, विशेषज्ञों का यह मानना है कि ये शारीरिक दूरी बनाए रखने का समय है, लेकिन साथ ही सामाजिक और पारिवारिक स्तर पर एकजुट होने का समय है। नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डेनियल एल्ड्रिज का तो यह मानना है कि सोशल डिस्टेंसिंग शब्द का इस्तेमाल न सिर्फ गलत है बल्कि इसका अत्यधिक उपयोग हानिकारक साबित होगा। एल्ड्रिज के अनुसार यह समय अभी शारीरिक दूरी बनाए रखने और सामाजिक तौर पर एकजुटता प्रदर्शित करने का है। आखिर बात करते हैं कि क्या है आखिर सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग से तात्पर्य सामाजिक स्तर पर उचित दूरी बनाए रख जाने से है। सभाओं में शामिल होने से बचना सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और पारिवारिक कार्यक्रमों के आयोजन से बचना ही आपका सोशल डिस्टेंसिंग है। प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी प्रकार की भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर नहीं जाना चाहिए। किसी व्यक्ति से बात करते समय हमें किसी भी प्रकार से शारीरिक स्पर्श से बचना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग की आवश्यकता आखिर क्यों आन पड़ी? कोरोना वायरस मानव से मानव में स्थानांतरित हो रहा है। मानव ने मानव मानव से मानव में स्थानांतरण का प्रमुख कारण लोगों की सामाजिक रूप से निकटता है। याद रखिए, जो आपका सोशल डिस्टेंसिंग शब्द बना हुआ है, यह अब समय की मांग भी है कि जितना हो सके उतना दूरी बनाते रहें। इस वायरस से संक्रमित एक व्यक्ति 5 दिनों के भीतर ही लगभग 2.5 व्यक्तियों तक इस वायरस का स्थानांतरण कर सकता है।
इसकी भयावहता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 30 दिन के भीतर ही इस वायरस का लगभग 406 व्यक्तियों को प्रभावित कर सकता है। यदि इस वायरस से प्रभावित किसी व्यक्ति द्वारा 50% तक अपनी गतिविधियों को सीमित कर लिया जाता है तो अगले 5 दिन में संक्रमित होने वाले व्यक्तियों की संख्या 1.5 व्यक्ति तक और अगले 30 दिनों में संक्रमित होने वाले व्यक्तियों की संख्या 15 व्यक्तियों तक सीमित हो जाएगी। इस प्रकार यदि किसी व्यक्ति द्वारा 75% तक अपनी गतिविधियों को सीमित कर लिया जाता है तो अगले 5 दिनों में संक्रमित होने वाले व्यक्तियों की संख्या 0.625 व्यक्ति तक तथा अगले 30 दिनों में संक्रमित होने वाले व्यक्तियों की संख्या 2.5 व्यक्तियों तक सीमित हो जाएगी। सोशल डिस्टेंसिंग के बेहतर क्रियान्वयन के लिए ही संपूर्ण लॉकडाउन की व्यवस्था की गई है आपकी। अब ये लॉकडाउन क्या है इसे भी देख लीजिए। लॉकडाउन एक प्रशासनिक आदेश होता है। लॉकडाउन को एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 के तहत लागू किया जाता है। यह अधिनियम पूरे भारत पर लागू होता है। इस अधिनियम का इस्तेमाल किसी विकराल समस्या के दौरान होता है जब केंद्र या राज्य सरकार को यह विश्वास हो जाए कि कोई गंभीर बीमारी देश या फिर राज्य में आ चुकी है और सभी नागरिकों तक पहुंच रही है तो केंद्र व राज्य सरकार सोशल डिस्टेंसिंग सामाजिक स्तर पर एक दूसरे से दूरी बनाना को क्रियान्वित करने के लिए इससे अधिनियम को लागू कर सकते हैं। इसे किसी आपदा के समय शासकीय रूप से लागू किया जाता है। इसमें लोगों से घर में रहने का आह्वान और अनुरोध किया जाता है। इससे जरूरी सेवाओं के अलावा सारी सेवाएं बंद कर दी जाती हैं। कार्यालय, दुकानें, फैक्ट्रियां और परिवहन सुविधा सब बंद कर दी जाती है। इसमें जहां संभव हो वहां कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए कहा जाता है। लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाएं निर्बाध रूप से चलती रहती हैं। अपने दिशा निर्देशों में सरकार ने शासकीय आदेशों का पालन करना अनिवार्य बताया। बात करते हैं सोशल डिस्टेंसिंग से संबंधित समस्याएं क्या है। सोशल डिस्टेंसिंग को भारतीय जनमानस जिन अर्थों में ग्रहण करता है उसके पीछे की सामाजिक, सांस्कृतिक व ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखना जरूरी है। यह शब्द लंबे समय से सामाजिक, सांस्कृतिक वर्चस्व बनाए रखने के लिए इस्तेमाल होता रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग हमेशा शक्तिशाली समूह द्वारा कमजोर समूह पर थोपी जाती रही है। भारत में भेदभाव और दूरी बनाए रखने और अस्पष्टता को अमल में लाने के तरीके के तौर पर इसका इस्तेमाल होता रहा है। प्रसिद्ध फ्रांसीसी समाजशास्त्री लुई दोमो के अनुसार विश्व के कई देशों के विभिन्न जातियों में सोशल डिस्टेंसिंग जाति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पूर्व से ही विचलित है। यहाँ विवाह, खान पान से लेकर छुआछूत तक सोशल डिस्टेंसिंग का क्रूरतम रूप सामने आता है। ऐसे में यह डर है कि कोरोना वायरस की सोशल डिस्टेंसिंग कहीं जाति तथा की सोशल डिस्टेंसिंग की पुनरुद्धान का कारण ना बन जाए। भारत में अभी भी पानी भरने के लिए स्थलों से लेकर सार्वजनिक स्थलों, मंदिरों या अन्य धार्मिक स्थलों पर दलितों के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का व्यवहार किया जाता है। किसका बनाया हुआ है खाना कौन खा सकता है, कौन नहीं खा सकता है, इसका पूरा विधान है और यह व्यवस्था भारत में अभी भी खत्म नहीं हुई है। छुआछूत जैसी बीमारी अभी भी भारत के अधिकतम हिस्से में अभी भी फैली हुई है। लगभग आपने ग्रामीण क्षेत्र में अगर आप लोग रहते हैं तो बेहतर आप लोग इसके बारे में जानते होंगे। उच्च जातियों के लोग इस महामारी के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के सूत्र से लोगों के सामने जाति व्यवस्था के उचित का तर्क रखने लगे हैं। इसके साथ ही यह तर्क बार बार दिया जा रहा है कि ना छूकर किया जाने वाला अभिवादन यानी हाथ जोड़कर दूर से किया जाने वाला नमस्ते भारतीय परंपरा की श्रेष्ठता को दर्शाता है। पितृसत्तात्मक भारतीय समाज में परिवार के अंदर भी स्त्री और पुरुष के बीच सोशल डिस्टेंसिंग की दीवार बनाई गई ताकि स्त्री को कमजोर होने का एहसास दिलाकर उसका शोषण किया जा सके। स्त्री के लिए सोशल डिस्टेंसिंग इस तरह से की गई है कि वह घर से बाहर ना निकल सके।
प्रत्येक समाज में गरीब और अमीर के बीच भी सोशल डिस्टेंसिंग व्याप्त है। इस प्रकार यदि कोरोना वायरस की सोशल डिस्टेंसिंग का फायदा उठाकर शक्तिशाली समूह सोशल डिस्टेंसिंग के की पुरातन रूढ़िवादी अवधारणा को मजबूत करने में जुट जाते हैं, तो इस पर ना सिर्फ नजर रखने बल्कि इस विचारधारा के प्रति प्रतिकार करने की आवश्यकता है। याद रखिए, एक बार आप लोग ध्यान दिया होगा यार, कोई भी मारो गरीबी की हो, फिर कोई बीमारी हो, किसी भी तरह से पिस्ता गरीबी है, ये तो समझ में आ चुका है। देखिए, जैसे चीन हो, फिर चाहे इटली हो, कहीं विदेश से वायरस आया, वह हमारे यहाँ का गरीब तो नहीं गया, क्योंकि गरीब की इतनी औकात भी नहीं है कि वो विदेश जा, वहां से कौन लाया इस वायरस को, वायरस को कोई बड़ा ही आदमी गया होगा, मतलब लोग घूमने जाते हैं वही लाते हैं। लेकिन इसका सबसे ज्यादा खामियाजा किसे भुगतना पड़ रहा, गरीब तबके की बहुत बड़ी जनसंख्या को। पता नहीं भगवान भी। आगे बात करते हैं समाधान, फिजिकल डिस्टेंसिंग। फिजिकल डिस्टेंसिंग से तात्पर्य सामाजिक दूरी के स्थान पर शारीरिक दूरी को बनाए रखने से है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक के अनुसार इस वैश्विक महामारी से निपटने में फिजिकल डिस्टेंसिंग नितांत आवश्यक है, परंतु इसका यह मतलब कतई नहीं है कि हम सामाजिक स्तर अपने परिजन बस परिजनों से दूरी बना लें। तकनीकी के इस युग में हम फिजिकल डिस्टेंसिंग को बनाए रखते हुए वीडियो चैट, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से सामाजिक व आत्मीय निकटता को महसूस कर सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग से ऐसा प्रतीत होता है कि यह लोगों को सामाजिक रूप से अलग थलग कर रहा है, जबकि फिजिकल डिस्टेंसिंग लोगों में शारीरिक दूरी को बनाए रखते हुए सामाजिक निकटता लाने पर फोकस करता है। सोशल डिस्टेंसिंग लोगों के बीच सामाजिक दूरी को बढ़ाकर उनके मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रहा है, जबकि फिजिकल डिस्टेंसिंग लोगों में शारीरिक दूरी को बढ़ाते हुए भी सामाजिक रूप से निकट ला रहा है। फिजिकल डिस्टेंसिंग को मेट्रिक मीटर या फिर सेंटीमीटर में मापा जाता है। यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की भौगोलिक दूरी की माप करता है, जबकि सोशल डिस्टेंसिंग सामाजिक संबंधों के बीच की दूरी का एक मापक है। संकट की इस घड़ी में स्पष्ट रूप से फिजिकल डिस्टेंसिंग को बनाए रखते हुए सामाजिक निकटता को बनाए रखने की आवश्यकता है। तो चलिए, ये था आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल जो हम लोगों ने देख लिया, फिजिकल डिस्टेंसिंग या फिर सोशल डिस्टेंसिंग।